तराई का साग तो आप लोग कई तरह से बनाए होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा नया तरीके से मैं दिखा रही हूँ। कटिंग शॉटिंग तो उसी तरह करनी है, कटिंग नहीं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ आप लोग के लिए दो लाइन लेकर के कि दुख आता है, आनंद आता है और सब कुछ बीत जाता है, और जो सदा रह जाता है वही साक्षी है, और साक्षी सभी ध्रुवों से परे है। तो आज का दिन बहुत बहुत शुभ मंगलकारी हो। आइए चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों आ गई किचन में नाश्ता बनाने, बनाती हूँ और आप लोगों को दिखा रही थी ये चौलाई का साग चना दाल डालकर के बनाने। ये एक और तरीका है सादा चौलाई का साग बनाना, प्याज डाल के और ये चना दाल डालकर के। अभी तो पूरा ये भिजी गया है, हो गया ये कंप्लीट।
वाला खास अच्छा लगेगा। नमक छिड़क लो। पपीता करने के लिए हरा मिर्च थोड़ा सा, ये गुल मिर्च। नमस्ते दोस्तों, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो मेरा नाश्ता आज भी आपने पूरा देखा ही, क्या बताना। ब्रेड ऑमलेट है आज, लो ये सॉस ले लो, छिड़क लिया जाए। तो ये देखिए ऐसे बना है लगा के। जो लोग अंडा खाते हैं वो लोग ऑमलेट का आनंद ले। तो देखो जो लोग खाते हैं उन्हें अच्छा लगता है। गर्मी ने तबाही मचा के रख दिया है। देखिए दो चार दिन में, पांच दिन में कुछ ना कुछ सही होगा। हम लोग की तो हालत बिगड़ जानी है किचन में एकदम। करना तो है, पेट का सवाल है। गुड मॉर्निंग भी कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मिर्चा आज नहीं डाले कादे का ना, तीता नहीं हुआ है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गर्मी तो बहुत भयंकर है, अपनों के यहाँ भी होगी, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह होगी। संभाल के रहिए, बच के रहिए, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, पूरी प्रोटेक्शन के साथ। तो दोस्तों नमक ज्यादा छिड़का लिया। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और जो लोग भी मेरे ब्लॉग पर आए न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। बेल आइकन को क्लिक करने पर ऑल का ऑप्शन आता है, उसे भी क्लिक कर लें तो सारे वीडियो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और मेरा वीडियो आगे बढ़ाना मना है, फुल वॉच कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, और आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय श्री राम।